एंगुलर मोमेंटम एल है एक प्लैनेट का, प्लैनेट घूम रहे सन के आसपास, एंगुलर मोमेंटम एल है, एरियल वेलोसिटी मार्क करनी है। अगर आपको रोटेशनल मोशन याद हो, आपने केपलर का सेकेंड लॉ का प्रूफ किया था, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला था एल बाई टू एम, मैंने लिखवाया भी था रोटेशनल में, आप नोट कर लो, ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ है एल बाई टू एम। ये रहा वो क्वेश्चन, एल प्लैनेट का कॉन्स्टेंट होता है, एम आर टू कॉन्स्टेंट है, यही ऑप्शन ए बी सी डी मार्क्ड है, सोल्यूशन देखने की जरूरत क्या करने की जरूरत ही नहीं, एल बाई टू एम इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ए बी सी डी में आंसर आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये क्वेश्चन है। अब जिसने ये एन सी आर टी छोड़ के सिर्फ कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रखी है, मुझे तो वो कैसे करेगा, वो बैठ के सॉल्व करेगा, जरूरत क्या है? अगर आपने प्रॉपर पढ़ रखा है तो देखो ना, सीधा याद आएगा एल बाई टू एम आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा ट्रिक है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो बस पहचानना है जहां पे गलती हो सकती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अ सैटेलाइट टू अ हाइट ऑफ एच अबव अर्थ सरफेस, तो एनर्जी रिक्वायर्ड, ऑब्वियस एनर्जी चाहिए होगी, सरफेस ऑफ अर्थ से एच डिस्टेंस पे हमने एक किसी बॉडी को लेके जाना है, और वो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी है, E1 है, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू बी इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट इज E2, और घुमाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए काइनेटिक, E2। तो फिर ये कौन सी एनर्जी है E1? अगर काइनेटिक एनर्जी E2 है तो E1 क्या है? पोटेंशियल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पोटेंशियल है तो एच हाइट पर पोटेंशियल क्या होगी? माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। क्या ये E1 है? नहीं, चेंज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब यहां पर ना गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि यहां पर एच हाइट पर सेटेलाइट आया, यहां पर एनर्जी क्या है, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच है, हमें लगता है ये E2 है, हमें लगता है ये E2 है कि भाई एच हाइट पे एनर्जी E2 है, खत्म ना। उसने कहा सरफेस से उठा के एच हाइट पर लेके आने का वर्क डन या एनर्जी E2 है। अब जब सरफेस पे कोई बॉडी है तो उसके पास ऑलरेडी एक एनर्जी है, तो अगर आप बॉडी को यहां से यहां लेके आ रहे हो तो चेंज ऑफ काइनेटिक, चेंज ऑफ एनर्जी पोटेंशियल क्या है, दिस माइनस दिस, और ये गिवन है E1, क्योंकि आप सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हो तो आपको पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाना पड़ेगा और वही अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्लियर है, E1 क्या गिवन है, ये E1 है, तो E1 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, कोई डाउट? अब काइनेटिक की बात करते हैं। काइनेटिक आपको आज मैंने लिखवाया था फॉर्मूला काइनेटिक का, याद करो, ये रहा, मैंने कहा था ना कि काम आ जाता है, जब सैटेलाइट के लिए हम काम कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये रहा। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, दोनों एनर्जी की वैल्यूज इक्वल है, आपको एच निकालना है, फॉर विच E1 इक्वल टू E2, इक्वेट कर लेना, इक्वेट करके आंसर आ जाएगा R/2 आंसर। तो समझ में आ रहा है कि वो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन कैसे चल रहे हैं, डीप कॉन्सेप्ट आना चाहिए प्रॉपर, ये नहीं है कि फॉर्मुला पुट किया आंसर आ गया, थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर। क्लियर है यहां तक? जैसे नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, सैटेलाइट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज इजेक्टेड फ्रॉम द सैटेलाइट सच दैट इट जस्ट एस्केप्स फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एट व्हाट फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो एक पॉइंट को समझो, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, हमने एक बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ से प्रोजेक्ट नहीं किया, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से इस बॉडी को फेंकते तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए थी ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए, तो एस्केप वेलोसिटी चाहिए,
तो सरफेस ऑफ अर्थ से अगर किसी बॉडी को फेंका जाए तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2gm/r, कैपिटल आर। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहां पर प्रोजेक्शन सैटेलाइट से हो रही है और ये क्या है? ये सैटेलाइट है, तो आपको यहां से फेंकना है ताकि ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए। अब प्रॉब्लम यह है, ये कैपिटल आर थोड़ी ना है, तो मान लो ये डिस्टेंस कितना है, ये स्मॉल आर है, तो ऑर्बिटल एस्केप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2gm/r, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर। क्यों? जब हमने एस्केप की डेरिवेशन की थी हमने ये माना था कि सरफेस ऑफ अर्थ से उठा के बॉडी को फेंकना है, हमने लिमिट क्या लगाई थी? कैपिटल आर से इंफिनिटी। पर अगर सैटेलाइट से उठा के फेंकना है तो सैटेलाइट मान लो कितनी दूरी पे है, स्मॉल आर, तो लिमिट क्या लगेगी? स्मॉल आर से इंफिनिटी, तो ये आंसर आएगा ना, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर, तो एस्केप वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्वेश्चन में गिवन है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी है। अब सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी, उसका मतलब क्या है? अंडर रूट ऑफ gm/r, कैपिटल आर की जगह यहां पर क्या पुट करना पड़ेगा? स्मॉल आर। ये ऑर्बिटल है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी जिससे कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए ताकि वो वापस ना आए। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी मुझे कितनी देनी पड़ेगी? हाफ पॉइंट मास का ऑब्जेक्ट इनटू एस्केप का स्क्वायर, ये आंसर है। तो उसने पूछा कितनी काइनेटिक एनर्जी से उसको फेंका जाए कि वो वापस ना आए, इतनी एनर्जी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हाफ एम क्या आएगा? एस्केप में अंडर रूट ऑफ 2gm/r आएगा। प्रॉब्लम यह है कि आपको ABCD में ऑप्शन ये नहीं दिखेगा, आपको आंसर वी की फॉर्म में दिखेगा, तो यहां से स्क्वेरिंग करना पड़ेगा। gm/r की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं हम? स्मॉल वी का स्क्वायर। तो आप यहां पे gm/r की जगह क्या पुट करेंगे? स्मॉल वी का स्क्वायर। इस फॉर्म में कुछ आंसर दिखेगा। समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में करना क्या है? क्लियर है यहां तक? तो इसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, ये देखो। तो आपको निकालना क्या है? हाफ इंटू एम इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, और ऑर्बिटल ये शॉर्टकट मार दिया मैंने कैसे। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में एक ही चीज का अंतर होता है और वो है 2 का। तो आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल होती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, कहीं भी यूज कर लेना। एस्केप वेलोसिटी इज ऑलवेज रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल। तो आपका काम आसान हो गया, जो मैं कैलकुलेशन कर लंबी है, इसमें सीधा पुट कर दो एस्केप की जगह रूट 2 वी आंसर, ऑप्शन मार्क कर लेना। तो आइडिया समझ में आ रहा है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इंस्टेड, क्योंकि देखो एनसीईआरटी पूछती है कि जी सरफेस ऑफ अर्थ से फेंको, वो कहता है जी सैटेलाइट से फेंको, तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर में कन्वर्ट हो गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये नीट और मेन दोनों में आया हुआ है इस टाइप की प्रॉब्लम। देखो जरा क्या प्रॉब्लम है। कैसे हो गया? देखो फिगर शोज एक प्लैनेट सन के आसपास घूम रहा है, तो आपको यह गिवन है कि सन सेंटर पे नहीं है, सन एलिप्स के यहां पर है। फिर आपको यह गिवन है कि जो ट्रायंगल बना हुआ है सी एस से, ये रहा सी एस और ए, ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो एलिप्स के एरिया से 1/4 है। पूरा एलिप्स अगर ए एरिया का है तो यह ट्राइंगल कितने एरिया का है? ए बाई 4 है। यह भी क्लियर है। नेक्स्ट है, अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? मेजर एक्सिस या जो हम एलिप्स में पढ़ते हैं मैथ्स में, लंबे वाले एक्सिस को मेजर और छोटे वाले एक्सिस को माइनर बोलते हैं, चाहिए नहीं इसमें वैसे बता दिया। अब क्वेश्चन है कि अगर मान लो T1 इज द टाइम टेकन टू कवर एरिया ABC, तो A से लेके B से लेके C तक एक प्लैनेट घूम रहा है, और कितने समय में ये एक चक्कर काट रहा है ABC? T1 समय में, T1 आ गया। और T2 टाइम टेकन CDA, T2 टाइम में CDA, तो आपको ये बताना है T1 और T2 का रेशियो क्या है। लगेगा क्या? केपलर का सेकेंड लॉ,
एरियल वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट, यानी कि एरिया डिवाइडेड बाई टाइम, एरियल वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट, या फिर एरिया स्वेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टी वन टाइम में ए वन एरिया, टी टू टाइम में ए टू एरिया, टी वन बाई टी टू क्या होगा, ए वन बाई ए टू, खत्म। तो कितने लोगों को लगता है कि ए से लेके बी से लेके सी तक एरिया और सी डी ए एरिया बराबर है, तो टाइम की रेशियो 1:1 आएगी? लगता है ऑप्शन में मिलेगा आपको ये ऑप्शन, बहुत लोग ये मार्क करके आएंगे। क्यों नहीं है वैसे, क्योंकि सन सेंटर में है ही नहीं, तो एरिया ही गलत निकाल रहे हो, क्योंकि केपलर का लॉ बोलता है कि एरिया स्वेप्ट, मतलब अगर ए से लेके बी से लेके सी तक आते हैं, सन यहां पर है, तो आपको ये एरिया कंसिडर करना है जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला एरिया। तो टी वन टाइम में इतना एरिया स्वेप्ट हुआ, और टी टू टाइम में कितना एरिया स्वेप्ट हुआ, टी टू टाइम में ये एरिया स्वेप्ट हुआ जो मैं ये शेड कर रहा हूं। फर्क समझ में आ रहा है, क्योंकि सन सेंटर पे नहीं है, सन थोड़ा साइड पे है। क्लियर है यहां तक? अब ये बताओ ये रेड कलर का एरिया क्या है? देखो टोटल एरिया मान लो इलिप्स का ए है, तो ये रेड कलर का, ये आधे इलिप्स का एरिया क्या होगा बोलो, ए बाई टू, और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कितना, ए बाई फोर, तो टोटल एरिया क्या बनेगा, ए बाई टू प्लस ए बाई फोर, ठीक है, आधा इलिप्स प्लस ट्राइंगल, ठीक है यहां तक। फिर ये ब्लैक कलर का एरिया क्या है, आधा एलिप्स कितना है, ए बाई टू, में से ट्राइंगल माइनस कर दिया, ए बाई फोर, एरिया आ गया बचा हुआ। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे इसमें, टाइम क्या होगा, टाइम प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो आधा एरिया में ऐड होगा, आधे में सब्ट्रैक्ट होगा, रेशियो आ गया टी वन बाई टी टू के आंसर।